सब्सक्राइब कीजिए फूड फेम चैनल को और बेल आइकन पर दबाइए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्ते दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोगों का मन करता है ऐसा खाना खाने का जो जल्दी से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो, यानी कि फास्ट फूड। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फास्ट फूड में कितनी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। सो क्या हो अगर कोई ऐसा खाना जो जल्दी से बन भी जाए, खाने में भी अच्छा लगे और हेल्दी भी हो और पौष्टिक भी हो। सो आज हम बनाने वाले हैं दूध वाला दलिया। सो मेरा नाम है हर्ष गोयल, आप देख रहे हैं फूड फेम चैनल। तो बनाते हैं आज दूध वाला दलिया। तो दोस्तों, हम लोगों ने लिया है पहले आधा कटोरी दलिया, 1/4 चीनी और 2 कटोरी दूध, और हम इसको डालेंगे कुकर में। तो सबसे पहले डालना पड़ता है हमें दूध। दूध हमने डाला, उसके बाद हम डालेंगे दलिया, और फिर हम डालने वाले हैं चीनी इसमें, और इसको एक बार हम चला देंगे। तो ये लिए हमने कलछे से थोड़ा बहुत चला देते हैं हम। जब अच्छी तरह से आपको लगे कि चल जाए तो अब जलाते हैं हम लोग गैस। गैस हम लोगों ने जला ली। अब इसका करते हैं हम ढक्कन बंद। सो बंद कर दिया हम लोगों ने। ढक्कन लोगों ने रखी हुई गैस मीडियम पे। सो अब एक सीटी का करेंगे इंतज़ार और फिर देखते हैं अपना दलिया खा के। सो दोस्तों, हम लोगों ने निकाल लिया है कुकर से अपना दलिया, अब इसे खाते हैं और देखते हैं ये खाने में कैसा बना है। सो दोस्तों, दलिया हो गया हमारा रेडी, अब खा के देखते हैं। ये बहुत तेज गर्म है अभी। अगर आपका दलिया थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप दूध बाद में एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। चीनी अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैं जो थोड़ी चीनी कम पसंद है तो चीनी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए, पौष्टिक है, जल्दी से बन भी जाता है और टेस्टी भी बहुत है। तो जैसे मैगी या फिर पास्ता बनाते हैं, वैसे दलिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए। आप नाश्ते में, खाने में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं इसको, और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है। सो चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ मैं अपना दलिया ख़त्म। तब तक आप इस वीडियो को कीजिए लाइक, नीचे दीजिए अपने कमेंट्स, यहाँ पे कीजिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को। बाकी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।